मगहिया जवान के ऊपर एक नहीं, दो नहीं, तीन में नहीं, पूरे 12 FIR दर्ज किए गए हैं उनके खिलाफ। अब भैया मैं पहले ही बोल दिया था कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, अब टाइम गया हमारे मगहिया जवान की। कुछ सपोर्ट कर रहे थे मगहिया जवान को कि ऐसा है वैसा है, उसको कुछ नहीं होगा, जेल नहीं होगा। मैं एक बात बता देता हूँ, सुधीर सिंह इनसे कई गुना बड़ा था, लेकिन उनका जो हालत हुआ था आप सबको पता है ना। तो ऐसे टुच्चे गुंडे लोग, यूट्यूबर लोग खिसारी से जब पंगा लेंगे तो भैया जेल तो होना ही होना है। अब जो है 12 FIR दर्ज हुआ है, तो भैया 12 में अगर 2 ही FIR को एक्शन लिया जाए, एक अच्छे से एक्शन लिया जाए, तो भैया इनकी तो चटनी बन सकती है। और उसमें एक खिसारी भाई FIR किए हैं, 11 FIR दर्ज जो है खिसारी के फैन ने किया है। अब खिसारी के फैन का पावर देखो, खिसारी तो खुद कर रहे हैं लेकिन खिसारी के फैन भी जाके FIR दर्ज कर रहे हैं, इसे कहते हैं फैन नंबर 1। अब भैया मैं बता देना चाहता हूँ, कुछ लोग रोज ड्रामा कर रहे थे, अरे कुछ नहीं उखड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, हवो हल्ला है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, जो भी राजनीतिक दल वाले हैं, RGD के जो नेता हमारे हैं सुनील सम्राट, उसके बाद में हमारे तेजस्वी यादव, इतना तो पावर था कि इन दोनों को जेल कराने में बहुत बड़ी टाइम नहीं लगेगी, क्योंकि सुपर स्टार को गाली दिया है। कोई छोटा मोटा यूट्यूबर को गाली दिया होता तो चल जाता, कोई एक्शन नहीं लेता, लेकिन वो जो दुनिया में टॉप पे है उसको गाली दिया है, उसके एक इशारे से अच्छे अच्छे नेता का जो है कुर्सी चला जाएगी। क्योंकि भैया जिसके पास फैन फॉलोइंग है, अगर एक बार इशारा करते भैया इसको जिताना है, तो लगभग उसको जीतने में ज़्यादा मतलब सपोर्ट मिल जाता है, कि वो जीतने के कगार पे आ जाता है कि भैया हाँ वो चुनाव में जीत जाएगा। अब यही फायदा उठाएंगे शायद है हमारे नीतीश चाचा जी, क्योंकि नीतीश चाचा को क्या है, कुर्सी चाहिए, और खिसारी भाई को इन सबको जेल कराना है। तो इन सबको जेल कराओ और खिसारी भाई की तरफ से कुर्सी लो, आपको तो भैया सपोर्ट कर ही रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं खिसारी भाई कि आपके आपकी पार्टी के प्रति हम अपना जो है प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, करेंगे। लेकिन भैया ये दोनों को जेल तो भैया हम पहले बता देते, आज होगा या कल होगा लेकिन होगा। और 12 FIR दर्ज जब हुआ तो ये दोनों भाई लाइव आए, अरे माई, अरे दादा अब क्या होगा, हमें खबर मिला है कि हमारे ऊपर 12 FIR दर्ज किए, खुद बताए हैं खिसारी भाई, नहीं बताए, खुद ये लोग बता रहे हैं कि हमारे ऊपर 12 FIR दर्ज किया गया है, हमारे जो बड़े भैया लोग जो हैं इधर उधर के राजनीतिक दल लोग बता रहे हैं। अब ये पता है, जब से सुने हैं तब से बड़ा अच्छा से बात कर रहे हैं, मसूरिया नहीं बोल रहे हैं, गाली गलौज नहीं कर रहे हैं, मतलब आ गए लग रहा है, औकात पे आ गए। उसमें एक बंदा और है, पता नहीं कौन, सिंह मकूत कुछ ऐसा, उसके ऊपर भी 2-4 FIR दर्ज होना चाहिए, तब वो भी लाइन पे आएगा। बहुत कूद रहा है, बहुत सपोर्ट कर रहा है। तुम्हारी भी भैया अब ज़्यादा दिन बची नहीं है, देखो स्टार जो है एक हो जाएंगे, और तुम लोग जो भड़क रहे हो ना, तुम्हारी ही पीछे से मारी जाएगी। खिसारी पवन कोई अलग नहीं है, वो दोनों एक ही हैं, बस तुम राजनीति समझ नहीं पा रहे हो और तुम चले हो फैन फॉलोइंग दिखाने, इसलिए शायद है तुम्हारी जो है दुकान नहीं चलेगी। तो भैया जो फॉलो में जो गाली दे रहे थे, अब पूरे हेकड़े जो है पुलिस थाने में निकालेगी तुम्हारी पुलिस, क्योंकि भैया जिसके पास पैसा है उससे सब पूछा भैया कैसा है, खिसारी के पास पैसा है, पावर है, सब कुछ है, तो तुम्हारी जो है हेकड़ी बहुत अच्छे से निकलने वाली है। और आप लोग का क्या मानना है कि इनको जेल में क्या क्या सजा होना चाहिए, क्या क्या पड़ताड़ देना चाहिए, कमेंट करके बताओ। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को दबा के सब्सक्राइब मारो, ताकि ऐसा वीडियो हमेशा आप सबको देखने को मिले। वीडियो को शेयर कर लो।